हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोर। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज हमने अपना नया हॉस्पिटल ओपन किया है, उसकी शिफ्टिंग में हम बिज़ी थे। और अब से हम आपसे वादा करते हैं कि हम रेगुलरली वीडियोस बना के आपका नॉलेज अपडेट करते रहेंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टोर्टिकोलिस। ये बहुत कॉमन नहीं है, बट इस पर बहुत ज़्यादा लिटरेचर भी नहीं है, इसलिए जिन बच्चों को ये हुआ है उनके पेरेंट्स को ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। और मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टोर्टिकोलिस क्या है, कैसे पहचानते हैं इसको और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टोर्टिकोलिस होता क्या है। टोर्टिकोलिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा अपनी गर्दन को एक तरफ झुका के रखता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इनिशियली जो फेज़ होता है टोर्टिकोलिस का वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। उसका मतलब है वो बच्चा बीच बीच में एक तरफ झुकाता है, बाद में जैसे जैसे टोर्टिकोलिस में बच्चा की उम्र बढ़ती रहती है वो फिक्स्ड हो जाता है। सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है कि इमीडिएटली नोटिस नहीं होता। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम पे ये टोर्टिकोलिस इतना विजिबल नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है और अराउंड 6 मंथ्स पे जब बच्चा बैठने लगता है तब सबसे पहले पेरेंट्स ये पहचानने लगते हैं कि बच्चा है थोड़ा सा एबनॉर्मली एक ही तरफ गर्दन को रख रहा है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है काफ़ी बच्चों में ये फिक्स्ड होता जाता है। तो टोर्टिकोलिस में अगर हमारे को दो साइड हमारी ये जो मसल्स होती हैं इनको हम स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल बोलते हैं। नॉर्मली ये दोनों का पावर बराबर होता है, इसकी वजह से हम गर्दन को सीधा रखते हैं। लेकिन एक साइड की मसल किसी भी कारणवश अगर टाइट हो जाए तो वो एक तरफ ज़्यादा खींचती है गर्दन को, इसकी वजह से जो गर्दन है वो एक तरफ टिल्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये लेफ्ट और राइट दोनों स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल है, अगर लेफ़्ट की टाइट हो गई है तो वो गर्दन धीरे धीरे करके इस तरफ झुकने लग जाएगी, और अगर राइट की मसल टाइट है तो वो धीरे धीरे इस तरफ टर्न होने लग जाएगी। इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पता लगाना ज़रूरी है कि कौन सी साइड की मसल टाइट है। तो जब हमारी राइट साइड की मसल टाइट होती है तो हमारी जो सर है वो तो राइट की तरफ जाता है और हमारा जो चिन है जिसको हम ये बोलते हैं चिन, ये लेफ़्ट की तरफ जाने लगता है। अगर मैंने गर्दन को ऐसे रखा है इसका मतलब मेरी राइट साइड की मसल टाइट है और मुझे एक्सरसाइज से राइट साइड की मसल को लूज़ करना है। और अगर लेफ़्ट साइड की टाइट है तो मेरा जो हेड है वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा लेकिन मेरी जो चिन है वो राइट की तरफ जाएगी। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड की स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल टाइट है। आइए इसको डेमो में भी समझते हैं। अगर ये हमारे डेमो में एक पेशेंट का सर है और अगर ये राइट साइड की मसल टाइट है तो वो गर्दन को ऐसे रखेगा, और अगर उसकी लेफ़्ट साइड की मसल टाइट है तो वो गर्दन को ऐसे रखेगा। ये होता क्यों? नॉर्मली हमने देखा है कि जो टोर्टिकोलिस है ये नॉर्मल डिलीवरीज में ज़्यादा होता है, और इसका सिंपल कारण ये कि जब बच्चे का जो सर है वो बड़ा होता है तो मदर के वूम में से जब बच्चा पैसेज में से निकलता है उस टाइम पे उसकी गर्दन काफ़ी स्ट्रेच होके निकलती है, उसकी वजह से इस मसल में इंजरी हो जाती है और विद पीरियड ऑफ टाइम ये मसल जो है इंजरी की वजह से टाइट हो जाती है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये फाइब्रोसिस कोई रातों रात नहीं हो जाता, इसको पीरियड लगता है। और क्लासिकल जो टोर्टिकोलिस के केसेस है उसमें आपको ये मसल एकदम हार्ड पत्थर की तरह फील होगी, जिसको हम स्यूडो ट्यूमर भी बोलते हैं। इसमें जो पहचानने का जो इसका तरीका है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जब हम मसल के ऊपर हाथ फेरते हैं तो मसल नॉर्मली सॉफ्ट प्लायबल होती है, पर टोर्टिकोलिस के केस में ये आपको बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट मिलेगी। और इसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी से कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये जो मसल के फाइबर्स हैं ये नॉर्मल नहीं है और इनमें फाइब्रोसिस है। तो अगर 6 महीने पे हमारे को बच्चा सबसे पहले पेरेंट्स लेके आते हैं तो हम मसल को फील करते हैं और हमें डाउट होता है तो हम बच्चे की सोनोग्राफी कराते हैं, और सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि अगर ये मसल टाइट है तो फिर इसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। दूसरी चीज, अब चूँकि हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि बच्चे को टोर्टिकोलिस है तो उस केसेस में हम फर्दर कैसे इसका ट्रीटमेंट चालू करें। दोस्तों जब भी टोर्टिकोलिस होता है सबसे पहले हमें कुछ और कारण जो कि सीरियस कारण होते हैं वो टोर्टिकोलिस में रूल आउट करने होते हैं। इसके लिए हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो गर्दन का एक्सरे कराना होता है, जिसको हम एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। और कई बार हमने देखा है कि गर्दन की जो बनावट है वही टेढ़ी होती है, वो स्यूडो टोर्टिकोलिस दिखता है हमें, पर जो गर्दन में जो बेंड होता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कुछ रेयरर रीजंस हैं जिसमें कुछ सिंड्रोम्स होते हैं,
या फिर कई बार बच्चे में वीकनेस होती है उसकी वजह से भी ये टॉर्टिकोलिस होता है। तो हमें स्ट्रेट अवे टॉर्टिकोलिस का ट्रीटमेंट चालू करने की वजह कुछ टेस्ट करा के बिल्कुल कन्फर्म कर लेना चाहिए कि ये सिंपल स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल की टाइटनेस ही है। कई बार रिफ्रैक्टिव एरर भी होता है, बच्चे में क्या होता है कि आँखों में उसकी वीकनेस होती है जिसको हम वेंगापन या स्क्विंट बोलते हैं, उनकी वजह से भी सेकेंडरी टॉर्टिकोलिस डेवलप हो जाता है। तो एक आई चेकअप भी बहुत ज़रूरी है बिफोर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के। अगर बच्चा इनिशियली प्रेजेंट आता है तो 6 मंथ्स से लेके 1 से 1.5-2 साल तक हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे की फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी चालू करके ही इस कंडीशन को कंट्रोल में किया जाए। एक्सरसाइजेज जो होती है वो सारी एक ही मसल पे डायरेक्टेड होती है कि अगर जो मसल टाइट है उसको स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर हमारी लेफ्ट साइड की मसल टाइट है तो हमें उस मसल को स्ट्रेच करके राइट साइड की तरफ करना है। ये एक्सरसाइज रेजीम फिजियोथेरेपिस्ट भी कर सकते हैं, यदि मदर एक्सपर्ट है वो सीख के वो खुद भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकती है। प्रेफरेबली हम चाहते हैं दिन में 3 से 4 बार एक्सरसाइज हो और हर बार 8 से 10 बार ये स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स हों। दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब लेफ्ट साइड की मसल टाइट होती है तो उस टाइम पे जो बच्चे को सबसे ज़्यादा देखने में दिक्कत आती है वो होती है लेफ्ट साइड की पीछे वाली चीज़ें। अगर उसको लेफ़्ट साइड की पीछे वाले को देखना है तो उसको पूरा गर्दन को टिल्ट करना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यदि आपके बच्चे की लेफ़्ट साइड की टॉर्टिकोलिस अफेक्टेड है और लेफ्ट साइड की मसल टाइट है तो आप जो भी चीज़ें चाहे वो म्यूज़िकल हो चाहे वो लाइट हो चाहे आप उसके पीछे आप उसके लेफ़्ट साइड में पीछे की तरफ बैठें और उसको बुलाएं तो वो जब देखेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली वो पूरी एक्सरसाइज उससे उसकी पूरी मसल स्ट्रेच होगी। डिस्पाइट दिस फिजियोथेरेपी अगर बच्चे का लग रहा है कि मसल बहुत टाइट है, फाइब्रोसिस बहुत सीवियर है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस केसेस में हम 1 साल पे बोटॉक्स इंजेक्शन होता है जो कि टेम्प्रेरी उस मसल को पैरालिसिस करता है, वीक करता है, वो भी बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और वो हम देते हैं अगर बच्चे की मसल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से टाइट हो रही है या बच्चे की उम्र ज़्यादा है जैसे 1-1.5 साल, तो बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है। ये इसमें एनेस्थीसिया यानी बेहोशी में दिया जाता है और इसके बाद वापस से फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। कई बार डिस्पाइट ऑल दिस ट्रीटमेंट अगर बच्चे का ये टॉर्टिकोलिस बढ़ता जा रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उस केसेस में हमें सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है और जो कॉमनली जो सर्जरी की जाती है उसको हम बाइपोलर रिलीज बोलते हैं। इसमें हम मसल को इसको जो जहाँ से मसल ओरिजिन होती है वहाँ से इस मसल को कट करते हैं तो उसकी वजह से ये जो मसल है ये लूज़ हो जाती है और टॉर्टिकोलिस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। अगर सपोज़ पेरेंट्स डर के मारे इस सर्जरी को नहीं कराना चाहते कोई और रीज़न से सर्जरी नहीं कर पा रहे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोग्रेस होता जाता है और उसके बाद बच्चे का एक स्टेज के बाद कई बार विजन भी फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद यदि आप सर्जरी करेंगे भी तो भी बच्चा इस तरीके से ही रखेगा। इसलिए मेरे उन पेरेंट्स से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि सर्जरी एक्सपर्ट के द्वारा की जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है और इस सर्जरी को अगर हम बहुत लेट करें तो इसके रिजल्ट्स भी नहीं है। तो ये जो सर्जरी ये ऑप्टिमली बिफोर 5 to 6 ईयर जब विजन पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, उससे पहले पहले अगर हो जाए तो जो नॉर्मल एनसी यानी जो नॉर्मल होने के चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नटशेल में हम यही बात करेंगे कि जो टॉर्टिकोलिस है सबसे पहले तो आप पहचानें कौन सी साइड की मसल टाइट है, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन और उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी को चालू करें। आप फिजियोथेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हैं, घर पर भी खुद कर सकते हैं और मैं जल्दी ही इसकी टॉर्टिकोलिस की एक्सरसाइजेज पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। उसके बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो बोटॉक्स इंजेक्शन या फिर आप सर्जरी का विकल्प चुनें तो आपका बच्चा जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। दोस्तों मैं एक लाइन आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं बच्चों के हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और वो काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, इनकी काफ़ी सारी सर्जरीज में कर चुका हूँ और हमने बच्चों की जो हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए नया हॉस्पिटल तैयार किया है जयपुर में जो कि 30-बेडेड है और वो इन्हीं बच्चों की सर्जरीज के लिए डेडिकेटेड है। मैं रूटीनली यहाँ पे मंडे टू सैटरडेज OPDs देखता हूँ और इन बच्चों की सर्जरीज करता हूँ। यदि आपके बच्चे को टॉर्टिकोलिस है जो कि सर्जरी की ज़रूरत मांग रहा है जो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जयपुर में मेरा एड्रेस है जो कि इस पर फ्लैश हो रहा है, आप इस एड्रेस पर फ़ोन भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने बच्चे को प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।